अभी कर्नाटक कांग्रेस में विधायकों को लेकर बना संकट ठीक से समाप्त भी नहीं हुआ कि कांग्रेस की मुसीबत फिर से बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं को लेकर बने हुए संकट के पीछे कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, परंतु बीजेपी ने इन सभी आरोपों का खंडन करती आई है। कर्नाटक के बाद केरल में कांग्रेस पार्टी पर संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल केरल के वरिष्ठ विधायक और राजक सहयोगी पीसी जॉर्ज ने रविवार को दावा किया कि राज्य से कांग्रेस के 6 सांसद और 3 विधायक भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के साथ संपर्क में हैं और वहां दल बदल संभव है, लेकिन कांग्रेस ने इसे इनकार किया है और पार्टी ने पंजूर क्षेत्र से विधायक के इस दावे को खारिज किया है और उन्हें बड़बोला बताते हुए कहा कि वह सिर्फ मीडिया का ध्यान पाने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जॉर्ज की केरल जनपक्षम सेकुलर पार्टी हाल ही में भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बनी है। उन्होंने ऐसे समय में यह दावा किया है कि जब हाल ही में कर्नाटक और गोवा में अपने विधायकों के दल बदल से कांग्रेस को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जॉर्ज की इस बयानबाजी से राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या कर्नाटक के बाद भाजपा या उसके सहयोगी अब केरल में सेंधमारी की फिराक में हैं। हालांकि फिलहाल यह सिर्फ चर्चा का विषय ही बना हुआ है, परंतु कर्नाटक के सियासी नाटक भरे माहौल में नेता दावा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अमर उजाला पर छपी खबर के अनुसार अपनी पार्टी की प्रदेश कमेटी की बैठक के बाद कोट्टायम में जॉर्ज ने पत्रकारों से कहा, मुझे पता चला है कि राज्य में कांग्रेस के 6 सांसद और 3 विधायक भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत कर रहे हैं। बहरहाल उन्हें इस संबंध में और जानकारी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद में पीटीआई से बातचीत में वरिष्ठ विधायक ने कहा कि इस बारे में वह विस्तृत जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह दावा किया कि केरल में कांग्रेस खेमे से भाजपा में लोग जाएंगे। जॉर्ज ने कहा कि उनका दावा जल्द ही सही साबित होगा। जॉर्ज के इन दावों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में गोवा और कांग्रेस में जो गठित हुआ उससे बीजेपी की मंशा पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में गोवा में कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे, तो अगर इसके अनुसार देखा जाए तो बीजेपी के इरादों को भापा जा सकता है। देखने वाली बात यह है कि मौजूदा सरकार भले ही कांग्रेस द्वारा उनके ऊपर विधायकों को प्रभावित करने के लिए लगाए गए आरोपों को खारिज कर दे, लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है यह लोगों के सामने है। देश भर में बहुजन समाज से संबंधित अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं। नेशनल दस्तक YouTube चैनल के माध्यम से लगभग सभी खबरों को आप तक पहुंचाना चाहता है। वीडियो की संख्या अधिक होने के कारण नेशनल दस्तक की टीम को एक ही YouTube चैनल पर दिखाना संभव नहीं है। सभी मुद्दों को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने एक नया YouTube चैनल नेशनल दस्तक 2 के नाम से शुरू किया है। वास्तव में यह चैनल नेशनल दस्तक की एक कड़ी है। उम्मीद है आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें और बहुजन मीडिया को और भी मजबूत करेंगे। नए चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।